पांच राज्यों में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। 11 दिसंबर को होगा पांच राज्यों के नतीजों की घोषणा। अलीगढ़ में पूर्व समाजवादी नेता पंखुड़ी पाठक पर बजरंग दल का हमला। अलीगढ़ एनकाउंटर में मारे गए लोगों के घर पहुंची थी पंखुड़ी, साथ में थे फिल्म बुलेट राजा के लेखक अमरेश। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की पुलिस की मौजूदगी में ही हिंसा, गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव। दहशत में बोली पंखुड़ी, लखनऊ दिल्ली में करूंगी शिकायत। पंखुड़ी के एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के घर जाने से नाराज थे बजरंग दल के लोग। अपराधियों के परिजनों से हमदर्दी रखने की वजह से आक्रोशित हुए कार्यकर्ता। पिछले दिनों अलीगढ़ पुलिस ने एनकाउंटर में मुश्तकीम और नौशाद नाम के बदमाशों को किया था ढेर। परिजनों ने एनकाउंटर को बताया है फर्जी। मध्य प्रदेश में मायावती के बाद अब अखिलेश भी कांग्रेस का साथ छोड़ने को तैयार। कहा अब नहीं करेंगे और इंतजार। आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के बागी शिवपाल यादव, बोले सभी उपेक्षितों को मिलेगा सम्मान। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के भी खुलेंगे रास्ते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पिता का लखनऊ में निधन। पैतृक गांव सिराथू में होगा अंतिम संस्कार, सीएम भी होंगे शामिल। संभल में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से धरे छात्राओं को परेशान करने वाले दो बदमाश। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई थी पुलिस। मेरठ में पुलिस ने होटल में की छापेमारी। बड़े पैमाने पर जुआ खेलते मिले लोग, व्यापारियों समेत कई छात्रा भी धरे गए। पुरानी पेंशन नीति की मांग को लेकर वाराणसी से लखनऊ 300 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू। सैकड़ों सफाई कर्मचारी पदयात्रा में शामिल। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।